हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्रैक गवर्नमेंट एग्जाम। यहां आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के साथ साथ टॉपर गाइडेंस जो कि आपको किसी भी एग्जाम्स को क्रैक करने में सहायता करेगी। तो बने रहे हमारे इस यूट्यूब चैनल क्रैक गवर्नमेंट एग्जाम पे। हर जॉब एक्सपीरियंस के साथ एक समस्या रहती है कि हम प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी कैसे बनाएं, किस डायरेक्शन में मूव करें जिसकी वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले। आजकल का एक समस्या हो गया है, कॉमन समस्या हो गया है कि लोग एक चीज़ पे फोकस कर ही नहीं पाते। ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे बात करूँ, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि थ्योरी ऑफ मशीन हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया। ठीक है, तो आजकल के एस्पिरेंट क्या करते हैं, कभी सपोज ले के बैठ जाएंगे सॉम, ठीक है, थोड़ी देर सॉम करेंगे, फिर बोलेंगे अरे यार मेरा तो फ्लूइड हुआ ही नहीं, फिर फ्लूइड पे चले जाएंगे, फिर थोड़ी बार देर याद आएगा कि देखिए रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग बचा हुआ है, वो करने लगेंगे। मतलब कि वो उलझे रहते हैं, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं बना पाते, जिस वजह से क्या होता है उनका एग्ज़ाम निकल ही नहीं पाता। और उसके वजह से होता है क्या, टेंशन, और जितना ज़्यादा टेंशन होगा प्रिपरेशन उतना गंदा होगा। तो इसका समाधान क्या हो, चलिए आज उस पर हम बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या रहनी चाहिए हमारी स्ट्रेटेजी किसी भी एग्ज़ाम्स को क्रैक करने की। जी हाँ, आज मैं पर्टिकुलरली एक एग्ज़ाम्स पर फोकस करूँगा जिसका नाम है ऑल इंडिया लिमिटेड दुलियाजान फॉर जूनियर इंजीनियर। जी हाँ, आपने सही सुना, ऑल इंडिया लिमिटेड दुलियाजान फॉर जूनियर इंजीनियर, जिसका वैकेंसी आपका अराउंड दिसंबर मंथ में निकला था, जो ऑल टोटल वैकेंसी आपका 143 है, जिसमें मैकेनिकल का वैकेंसी आपका 65 के करीबन था, जो कि मैं समझता हूँ काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, ऑल इंडिया लिमिटेड का वैकेंसी आपके 2 इयर्स या 3 इयर्स में एक बार दिखता है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ ये काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपको, आप लोगों के लिए, सो आप इसे मिस ना करें। ठीक है, और इसका और बाकी लोग चिंता करते रहते कि इसका सिलेबस क्या होगा। ठीक है, तो मैंने सिलेबस इसका काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है इसी यूट्यूब चैनल पे, जिसका लिंक मैंने आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। जिस तरह मैंने डिस्कस किया हुआ है सिलेबस को, उस तरह किसी ने भी इस यूट्यूब चैनल पर नहीं किया हुआ, जो आप जाकर देख सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प होगी उस वीडियो। तो मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम राजेश प्रसाद है, मैंने इसी साल ऑल इंडिया पाइपलाइन डिवीजन 2022 का एग्ज़ाम क्रैक किया था, और प्लस मेरे पास 2 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है जो आपको पूरी तरह सहायता करेगी किसी भी एग्ज़ाम्स को क्रैक करने में। हाँ, और एक बात कहना चाहूँगा, आप लोगों ने जो मेरे पहले वीडियो पे जो सपोर्ट दिखाया था उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करना चाहूँगा। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना ज़्यादा व्यूज़ आएगा मेरे पहले वीडियो पे, जो कि ज़्यादा दिन हुआ नहीं मेरे चैनल खोले हुए, उसके बावजूद भी आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिखाया। बट थोड़ी सी शिकायत यह है कि आप वीडियोस तो देखते हो, व्यूज़ तो अच्छी देते हो, बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और थोड़ा लाइक मारते आपका कितना जाएगा, 1 सेकंड लगेगा। ठीक है, तो हम आते हैं अपने सबसे पहले प्रॉब्लम के लिए, बाद में आएंगे सॉल्यूशन पे, बट पहले देख लेते हैं कि समस्या क्या है आज के डेट में। ठीक है, तो ऐसा क्या बात है जो लोग ज़्यादातर फेल हो जाते हैं? तो देखिए, इसमें पहला कारण है आपका रॉन्ग स्ट्रेटजी, वो प्रॉपर स्ट्रेटजी बना ही नहीं पाते हैं कि पढ़े कैसे, किस तरह हमारा स्ट्रेटजी होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं एक बात करूँ तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि डायरेक्टली वो कंसेप्ट गेन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, कंसेप्ट गेन करते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते ही नहीं, तो इसके वजह से होता क्या है, वो कॉन्सेप्ट तो गेन कर पाते हैं किंतु लैक ऑफ प्रैक्टिस के कारण वो जब एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो क्वेश्चन क्या होता है, आता ठीक ही है बट वो रॉन्ग करके आ जाते हैं। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और अपना थ्योरी कंसेप्ट बिल्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उसमें भी समस्या है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो ठीक है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए तो उनका समस्या हो जाता है। जैसे कि इस बार का आपका ऑल इंडिया का एग्ज़ाम हुआ था जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन थे ही नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके खुरमी से थे ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे में करें क्या, तो आप टेंशन क्यों लेते हो, मैं हूँ ना। तो देखिए, हमें करना क्या है, बेसिकली हमें इन दोनों में आपका बैलेंस बना। और जो सेकेंड प्रॉब्लम है आपका, सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि 90% लोग क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज ही नहीं देते हैं, पता नहीं क्यों, बट उन्हें टेस्ट से बहुत ज़्यादा डर लगता है, वो टेस्ट देने से घबराते हैं। अरे यार, आप टेस्ट दोगे नहीं, टेस्ट नहीं दोगे तो आपका वीकनेसेस कैसे पता चलेगा, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, तो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगा तो क्या है, टेस्ट सीरीज़, आप जितना हो सके टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हो। ठीक है, बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ हैं, मैं नाम नहीं लूँगा। चलिए, तो फाइनली आते हैं हम अपने अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, देखिए आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको लर्न द टॉपिक, यानी कि आप अगर मैकेनिकल हो तो मैकेनिकल के सब्जेक्ट पर है,
आप अगर सिविल के हो तो सिविल पढ़ें, इलेक्ट्रिकल हो तो इलेक्ट्रिकल पढ़ें, इलेक्ट्रॉनिक्स हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ें। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, फिर उस टॉपिक के रिलेटेड आपको क्या करना है, क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, बहुत से डिफरेंट डिफरेंट बुक्स हैं, बट मैं मैकेनिकल के लिए सजेस्ट करूँगा आप आर एस कुर्मी हो या आर के जैन, आप दोनों में से कोई भी एक बुक आप सॉल्व कर सकते हो। बट फॉर बेसिकली मैं जूनियर इंजीनियर्स के लिए यही सजेस्ट करूँगा कि आप कुर्मी पे ज़्यादा फोकस करें। ऐसा क्या है कि कुर्मी में आपका क्वेश्चंस थोड़े इजी लेवल के होते हैं और सारे क्वेश्चंस हैं, अगर आप समझ के लगाते हो ना तो मैं समझता हूँ कुर्मी सफिशियंट है। बट आप डायरेक्टली अगर जैन पे जंप करोगे तो वो जैन का बुक जो है वो बीटेक लेवल के लिए बहुत अच्छा है, बट जैन में थोड़े क्वेश्चंस डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस हैं। अगर वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे तो होगा क्या, बेसिकली आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो फ्रस्ट्रेशन आएगा और फ्रस्ट्रेशन में आप छोड़ दोगे पढ़ाई। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप बेसिक्स लेवल से जाएँ, पहले कुर्मी ख़त्म करें, कुर्मी अगर ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद आप जंप करें किस पे, जैन पे जाएँ। ठीक है, और फाइनली जो मैं बोलूँगा क्या है कि आप टेस्ट सीरीज़ को अटेम्प्ट करें। अगर आप टेस्ट नहीं दोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका वीकनेसेस क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, जिसके और ये प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा अगर आप टेस्ट देते हो तो। ठीक है, तो यही है पर्टिकुलरली सॉल्यूशन। मैंने क्या क्या बोला फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, आपको सबसे पहले टॉपिक पढ़ना है, फिर उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, और उसके बाद फाइनली आपको टेस्ट देना है। ठीक है, और एक चीज़ है कि जेई लेवल पे क्या होता है कि आपका न्यूमेरिकल्स ज़्यादा नहीं आता है, तो न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं आता है तो आप ज़्यादातर क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चंस पे फोकस करें, ना कि ज़्यादातर न्यूमेरिकल पे। आप कम थ्योरी पढ़ें, क्वेश्चंस ज़्यादा लगाएं, ठीक है, तो ही आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट आए। ये स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो किया था और मैंने एग्ज़ाम्स क्रैक किया था। ठीक है, तो इस बदौलत में आपको ये अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो कमेंट करके बताएं हमें, और हाँ वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।